वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो दोस्तों, गारंटी कुमार बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम जो 19 अगस्त को रिलीज हो रही है, और ये महाराष्ट्र में थिएटर अभी तक खुले नहीं है, तो पता नहीं खुलेगी कि नहीं, वो भी पता नहीं। लेकिन उसके पहले एक न्यूज़ आई थी कि विन डीजल की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 9 वो 19 अक्टूबर को आने वाली थी अक्षय कुमार के साथ टक्कर लेने के लिए। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि विन डीजल, हालांकि डीजल और पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, तो विन डीजल डर गए और उन्होंने 19 अगस्त को फिल्म रिलीज़ ना करते हुए उसको पोस्टपोन कर दिया है, 3 सितंबर को रिलीज़ कर रहे हैं। यानी कि 3 सितंबर को उनकी टक्कर होने वाली है आमिर खान के भाई फैजल खान के साथ। आपको याद ही नहीं फैजल खान को, नहीं जाने दो, उनको घर वाले भी नहीं पहचानते फैजल खान को, तो आप लोग कैसे पहचानोगे जिन्होंने मधोश पिक्चर में डेब्यू किया था 1994 में। बाद में आमिर खान के साथ मेला फिल्म में भी आए थे, तो वो फिल्म, दोनों फिल्म साथ में रिलीज़ हो रही है, तो आप समझ गए ना किसका कचूमर निकलने वाला है, तो आप समझ ही गए। तो ये बेल बॉटम तो फिल्म रिलीज़ होगी 19 अगस्त को, जहाँ पर सिनेमा हॉल्स खुले हैं वहाँ पर तो एडवांस बुकिंग शुरू भी हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे। कुछ भी हो सकता है शायद कल कुछ अनाउंसमेंट हो जाए कि 15 अगस्त के दिन अनाउंसमेंट हो ऐसे कि 19 को थिएटर खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन फिलहाल अभी के लिए बेल बॉटम तो 19 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और 3 सितंबर को आ रही है विन डीजल की फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस। देखते हैं। लेकिन उसके पहले अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे आ जाएगी, देखते क्या होता है, क्या महाराष्ट्र में थिएटर खुलते हैं या नहीं खुलते, ये तो वक्त बताएगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल बॉबी बाय द मैटनी आइडल। सुबह बाय, से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।